संसद में भी ओएसी पर हमले का मुद्दा उठा है। आपको एक बड़ी खबर दूं, संसद में एआईएमआईएम सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि 2 महीने पहले घर पर हमला हुआ, अब जान लेने की कोशिश हुई, जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा इम्तियाज जलील ने कि मेरे पार्टी के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला कुछ देर पहले हुआ है। उनके ऊपर मीरठ से जब वो प्रचार करके वापस आ रहे थे तो 2 बंदूकधारियों ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया, गोलियां चलाई, लेकिन उनकी जान बच गई। वो आए हैं वापस। मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें होना, 2 महीने पहले उनके घर के ऊपर हमला हुआ जो पुलिस स्टेशन के सामने है, और आज उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगा कि इस सदन के अंदर जितने भी हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये मेरा या तेरा या तुम्हारा हमारा मामला नहीं है, हम सबसे जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।